हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो मेरे चैनल पे एक जो मेरा सबसे मोस्ट व्यूड मेरा वीडियो है, जिसमें मैंने बताया लाइक व्लॉग था, जिसमें मैंने ट्रैवल किया था ड्यूरिंग कोविड इन द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उस समय मेरी बेबी ओनली 1 month की थी और मैंने ट्रैवल किया था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से आपने ट्रैवल किया। लाइक मोस्टली क्वेश्चन थे बेबी कैरियर के ऊपर, कि आपने कौन सा बेबी कैरियर यूज़ किया, किस तरीके से आपने बेबी को उसमें कैरी किया, बिकॉज 1 month में बेबी का लाइक नेक भी स्टेबल नहीं होता है। तो उस समय कैरियर में कैसे आपने उसको ट्रैवल करवाया, मतलब किस तरीके से आपने उसे रखा और किस तरीके से आपने उसे फीड किया, किस तरीके से आपने उसको लेके लाइक ड्यूरिंग फ्लाइट आप किस तरीके से उसे अपने गोदी में लेके बैठे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैंने रिप्लाई भी सबका किया ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत सारे लाइक एक वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना और एक फिजिकल आपको दिखाना, इट्स वेरी डिफरेंट। तो एक व्यूअर ने ही सजेस्ट किया कि क्यों ना आप एक वीडियो बनाए। तो मैंने बोला यस, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन मैंने पहले सोचा नहीं था कि ऐसा वीडियो बनाऊँ। नहीं तो मेरे पास दिमाग में होता तो मैं बहुत पहले ये वीडियो बना चुकी होती, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। तो उन्होंने अभी रिसेंटली मुझे बोला, तो मैं आप लेके बैठी हूँ, लाइक अब मेरी बेबी 4 months के ऊपर हो गई है। तो मैंने सोचा कि लेट हुआ है तो, बट क्या हुआ, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अभी अनलॉक पूरा मतलब ऑलमोस्ट खुल ही गया है, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बेबी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और उनको बहुत सारे सवाल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के थ्रू उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और बेबी आपको समझ नहीं आता किस तरीके से फीड करें क्या करें, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था, क्योंकि आई थिंक शायद मेरी बेबी 1 month की थी, तब वो ज़्यादा टाइम सोने में इन्वेस्ट करती थी, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी इजी रहा। और वो थोड़ी देर उठी भी थी तो मैंने उसे फीड कर दिया था, तो वो आराम से सो गई थी। वैसे ही नॉर्मली बेबी के साथ ट्रैवल करना है बहुत एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन इस सिचुएशन में और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं अभी बताऊँगी, तो उससे आपका जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ होगा। तो सबसे पहले है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको कुछ अनइजी फील ना हो। तो क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का इस समय सिचुएशन में ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि आप कहीं टच नहीं कर सकते, आप कुछ अनसैनिटाइज चीज़ें नहीं छू सकते हैं, डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, लाइक कॉन्टैक्ट आपको कम करना है दूसरों लोगों से। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय ध्यान देनी पड़ती है, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप फीडिंग मदर हैं, आप अपना मिल्क पिलाते हैं, तो आप ऐसे कपड़े पहने जिससे फ्रंट ओपनिंग हो, ताकि आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। अपने साथ एक दुपट्टा कैरी करिए, ताकि आप फीडिंग करने समय उसे कवर कर सके। फिर अपने साथ हैंड लगेज बहुत ही कम ले, मतलब या फिर नहीं भी ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, बट एक हैंड लगेज तो आपको बेबी डायपर का मैंने रखा था, तो मैं आप भी एक बेबी डायपर बैग लेके रख सकते हैं, जिसमें बेबी की ज़रूरत का सामान, जैसे एक एक्स्ट्रा क्लोथ, मे बी बेबी प्यूक कर दे या वॉमिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक्स्ट्रा क्लोथ बच्चे के लिए, क्लोथ आपके दुपट्टा, आप बेबी को बॉटल फीड करते हैं तो वो बॉटल रहेगा, बेबी का बिब रहेगा, बेबी को पोछने के लिए टॉवल्स या नैपकिन्स रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं। डायपर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइप्स रखिए, ये सब आपके बेबी डायपर बैग में, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अभी मोस्टली हम कैरियर के बारे में बात करें, क्योंकि कैरियर में क्या हुआ, मेरी बेबी 1 month की थी, और जो भी कैरियर आपको ऑनलाइन मिलते हैं 3 to 36 months या 12 months तक के होते हैं। तो मुझे ये एक चैलेंजिंग टास्क था कि मैं वो कैरियर ढूंढ के निकालूँ जो 0 months से है, तो वो मेरे लिए एक टास्क था। तो मैंने फाइनली एक ऐसा कैरियर ढूंढ के निकाला जो मेरा पर्पस सॉल्व आउट करे। तो ये है मेरा कैरियर, ये है ट्रू मॉम का USA। ये काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ पकड़ा है, ये बहुत ही हल्का है। ये 0 to 36 weeks तक के बेबी के लिए, और 12 kg के बेबी आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। ये इसका इनर पार्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है, ये हेडरेस्ट के लिए है, ये आउटर पार्ट है। आउटर पैक में एक और USP ये है कि यहाँ पे एक पॉकेट है, जिसमें मैंने अपना अपना बोर्डिंग पास, अपना ID कार्ड और एक सैनिटाइजर रखा था यहाँ पर, ताकि मैं इसको बेबी को, इस मैंने हैंग किया हुआ है तो मैं इजीली इसके अंदर अपना सैनिटाइज़र कर हाथ सैनिटाइज कर सकती हूँ, तो इसमें रख सकती हूँ सैनिटाइज़र, ताकि मुझे हाथ में ना पकड़ना पड़े।
और अपने जो भी आपको बोर्डिंग पास या आईडीज दिखाने, तो वो मैंने, ये तीन चीज़ें मैंने इसमें रखी थी जो मुझे बहुत हेल्प की। अगर ये पॉकेट में होता तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो सकती थी, बट अगर हाँ आपको जीन्स या कुछ ऐसा पैंट पहना आपने तो आप उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच करना बहुत ही ईजी था, मैं ऐसे अपने बेबी को पकड़ा था तो मैं फटाफट से इसमें से चीज़ें निकाल के दे सकती, इंस्टेड कि मैं ऐसे पॉकेट में हाथ डालती। दिस वॉज एडेड एडवांटेज फॉर दिस कैरियर, बहुत ही अच्छा। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये अच्छा है ये चीज़, तो ये मैंने सोचा कि ऐड करूँ। बाकी ये बहुत ही अच्छा, जैसे इसमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी हार्नेस है, तो ये जो चीज़ है ये आपके बैक में चली जाएगी। ये देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, स्टाइलिश भी है, लाइक अगर आप कुछ ऐसे देख रहे हैं कि बहुत ऑड ना लगे। इसके बकल्स भी बहुत ही मोटे मोटे, काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बेबी को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। मैंने टोटल फ्रॉम इवनिंग 4 o'clock से लेके 9 o'clock तक, लाइक 5 hours मेरी बेबी इसी कैरियर में थी, उसको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट, बहुत ही ईजिली पूरा जर्नी चला गया। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा आपकी बेबी को, देख सकते कितना सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है, काफ़ी जो इसके जो सेफ्टी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। इसके जो बकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके बैक या शोल्डर में इवनली जो वेट है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपको भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बेबी को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा निकलेगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर बेबी आ जाएगी बीच में और ये पीछे आपका बकल आएगा, तो काफ़ी मोटे मोटे अच्छे बेल्ट्स है, काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पे ये बहुत ही पैडेड है, तो आपके शोल्डर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा वेट। और मैं इसका क्लोज डिस्क्रिप्शन अभी दिखा देती हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा बेबी कैरियर और ये आपका बेबी यहाँ पे लेटेगा। और ये जो चीज़, ये वाली जो चीज़ है ये आपके बैक में जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं बेबी को लिटाऊंगी। तो ये रही मेरी बेबी, इसको मैं इस तरीके से लिटा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी बेबी है, इसको मैंने ऐसे लिटा लिया है और इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। अभी मैं इसको इसके पैरों के बीच में से यहाँ पे ये लेकर आऊँगी बकल, और यहाँ पर एक छोटा बकल है जिससे इसके लेग सिक्योर होंगे, एंड यहाँ पर एक वेलक्रो भी है तो इसके लेग्स अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसको बकल लगा दूँगी, आई होप ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी मैं कर लेती हूँ, इसको ऐसे वेलक्रो चिपकाऊंगी एंड ये बकल लगा दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कलर का क्लॉथ है जो बेबी को कम्फर्ट ना हो, आपके कपड़े से इरीटेशन ना हो, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया गया है ताकि बेबी को कुछ भी गर्मी ना लगे, कुछ भी लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ये क्या है, एक टैग बटन है जिससे आप निकाल के इसे धो भी सकते हैं। ये अभी मुझसे निकल नहीं रहा है, ये निकल भी जाता है तो ये बेबी के ऐसे ऊपर आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बकल है जो आप ये इसको ऊपर करेंगे, ये कपड़ा है ये ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक और बकल आता है, उससे आप इसको सिक्योर ऐसे करेंगे ताकि बेबी यहाँ पे पूरी अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पे भी नेक्स्ट ये हाथ है, तो मैंने अपने बेबी के हाथों को ऐसे रखा था, हाथ को नीचे, ताकि बेबी के हाथ इधर उधर ना हो। एंड उसके बाद ये चीज़ आप पहन लेंगे। अब आप देख सकते हैं बेबी के लेग्स और आर्म्स अच्छे से सिक्योर हो गए हैं, और उसके बाद आप इसको पहनेंगे। अगर बेबी आपका 3 मंथ से ऊपर का है तो आप पहले कैरियर को पहनने के बाद भी बेबी को उसमें डाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी बेबी बहुत छोटी है, इस वजह से मैंने पहले बेबी को सिक्योर किया, उसके बाद मैंने ये कैरियर को पहना। एंड उसके पीछे से फिर ये बकल आता है, उसको दूसरे उसके अटैचमेंट के साथ आप अटैच करेंगे दोनों साइड से। ये देखिए ये बकल है, इसको मैं उसके लेग के नीचे बकल है उसके साथ मैं अच्छे से उसे अटैच कर दूँगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बकल है, ये बकल अगर आप 50,000 बार भी ओपन एंड क्लोज करेंगे तो भी ख़राब नहीं होगी, इस बात की गारंटी दी गई है इसके साथ। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरी बेबी आ गई है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसको एडजस्ट आप यहाँ पे एक बकल है इसको टाइट करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका बेबी का फेस अपने तरफ ही रखिए। तो ये देखिए ये मेरी बेबी अभी ईजिली बैठ गई है,
हाथ छोड़ सकते हैं, बहुत ही सिक्योर है। एक बहुत अच्छी चीज इस बेबी कैरियर की ये भी है कि पीछे जो बकल्स है वो क्रिस क्रॉस है, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा वेट को एक जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो बाकी बेबी कैरियर से मुझे नहीं मिला। एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि बेबी का नेक कैसे आप कैरी किया, बिकॉज उस समय बेबी का नेक स्टेबल नहीं होता है। तो मैंने क्या किया था ना कि हमेशा अपना हाथ यहीं रखा था, एक हाथ मैंने अपना हाथ बिल्कुल खाली रखा था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरा फ़ोन भी इवन मेरे इस पाउच में, मैंने आपको बताया कि काफ़ी मल्टीपर्पज है, इसमें मेरा मोबाइल, मेरा जो बोर्डिंग पास है, मेरा आईडी है और एक सैनिटाइज़र, ये मैंने इस पॉकेट में रखा था, काफ़ी अच्छे से आ गया था, और इसलिए मेरा हाथ खाली था। एक डायपर बैग था जो मेरे पीछे टंगा हुआ था, तो इसलिए मेरा हाथ खाली था। तो मैं हमेशा एक हाथ ऐसे ही रखती थी ताकि मेरे बेबी के नेक को कुछ प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से सपोर्ट रहे। तो आपने, आपका न्यू बॉर्न बेबी है, ए वन मंथ ओल्ड है, जब आपका बेबी का नेक सब स्टेबल नहीं है तो आप ज़रूर अपना एक हाथ रखिए। वैसे इसमें बोला जाता है कि सपोर्ट है, लेकिन एक एडेड सपोर्ट के लिए मैंने अपना हमेशा हाथ रखा था, तो मैं हमेशा अपने बेबी को ऐसे पकड़ के रखती थी ताकि उसका नेक में सपोर्ट रहे। तो ये कर सकते हैं, और अगर आपके बेबी का नेक कभी स्टेबल हो चुका है तब आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हाथ खाली रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसे पकड़ती थी ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, और एक हाथ ऐसे पकड़ लेती थी, दूसरे हाथ से मैं इधर पकड़ती थी ताकि मेरे बेबी को ज़्यादा ऐसे लटका ना रहे और थोड़ा मेरे पास रहे, क्योंकि उसको मैं मास्क वगैरह नहीं लगा सकती थी। तो इस वजह से एक हाथ मेरा ऐसे रहता था, एक हाथ मेरा ऐसे रहता था, और मैं अपने बेबी को पूरे टाइम पे ऐसे पकड़ के रखती थी, और मैं अपना हाथ, मेरा कहीं टच नहीं होगा और मेरे बेबी का भी हाथ कहीं टच नहीं होगा, वो मेरे पास ही रहेगी। तो ये एक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हैं बेबी को सपोर्ट देने में, और इससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर जो है वो भी आपके हाथ में आ जाएगा, तो ज़्यादा आपके बैक पे और भी प्रेशर नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक बेबी को कैरी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी बेबी बैठ गई है, और इससे क्या होगा, बेबी को बहुत, जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या 3 मंथ्स तक बेबी जो होते हैं उनको, उनका मोस्टली टाइम सोने में ही जाता है, तो बेबी अच्छे से कम्फर्टेबली इसमें सो जाता है। तो मेरी बेबी तो मोस्टली 90% टाइम वो सोती रही थी, बस एक बार वो उठी थी फीड करने समय। तो ये आप देख लिया आपने कि आपको किस तरीके से इसे कैरी करना है ड्यूरिंग, जब आप एयरपोर्ट में हैं या कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो किस तरीके से कुछ चलना है, मतलब इस तरीके से आपको चलना है, समझ रहे हैं, इस तरीके से आप पकड़ के चलेंगे। तो इस समय ये चीज़ हो गए, और एक चीज़ और बताना मैं भूल गई कि मैंने जब बेबी को कैरी किया था तो बेबी को तो हम मास्क नहीं लगा सकते ना फेस शील्ड, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दुपट्टा ले लिया है, एकदम पतला सा कॉटन का कपड़ा था, छोटा सा मेरा स्टोल था मतलब, तो मैंने ऐसे बेबी के ऊपर रखा था क्योंकि बेबी उस समय छोटी थी, तो मैंने ऐसे बेबी के ऊपर रखा था, तो ब्रीथ भी कर सकते हैं और कुछ सफोकेशन भी नहीं होगा। मैंने बेबी के ऊपर ऐसे एक दुपट्टा रखा था, छोटा सा दुपट्टा रखा था, जैसे एक स्टोल एक छोटा सा आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्कार्फ, एक छोटा सा कॉटन का स्कार्फ था, तो मैंने उसके ऊपर ऐसे डाल के रखा था सारा टाइम जब मैं एयरपोर्ट पे थी। और जब आप बैठे तब उसको हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बेबी को ज़्यादा देर उसमें कवर नहीं करना था। तो ये भी एक चीज़ है, आप ज़रूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपको बैठना है बेबी को लेके ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो आपको बैठना किस तरीके से मैं बता देती हूँ। तो अपने बेबी को मैं इस तरीके से लेके बैठ गई हूँ, तो आप अपने फ्लाइट के सीट पे आप इस तरीके से लेके बैठ जाइए बेबी को, और बहुत टाइम हो गया बेबी को, आपको चाहते हैं थोड़ा सा लिटाना है, क्योंकि मैंने भी अपने बेबी को थोड़ी देर लेटाया था। तो आप जैसे बेबी को लेके यहाँ बैठ गए हैं, तो आपको अभी किस तरीके से आपको लैप में लेना है, क्योंकि आप पूरा बकल खोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वापस बेबी को डालना। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको लिटा के डालना पड़ता है इस कैरियर में। तो अब मैंने क्या किया था कि एक साइड का, ये टोटली आपकी प्रेफरेंस है कि आप लेफ्ट साइड से खोलना चाहते हैं या राइट साइड से। मैं चाहती थी कि मेरा बेबी मेरे लेफ्ट हैंड में आए, क्योंकि वहाँ से मुझे फीड करना भी ईजी रहता है और मैं काफ़ी अच्छे से पकड़ भी सकती हूँ, तो मैंने इसलिए उसको राइट साइड से ओपन किया। तो मैंने जब सबसे पहले उसका हैंड वाला जो प्लेस है उसे ओपन किया, फिर जो इसका पैर वाला प्लेस है उसको ओपन किया, और ये जो वेलक्रो है उसको निकाल दिया। तो ये मैंने बेबी को नहीं हटाया, और बेबी को ऐसे उठा के, और इधर से जो बकल है, ये जो नीचे जो बकल है उसको थोड़ा सा ऐसे लूज कर लिया, तो बेबी ऐसे लूज हो गई, और इसको इस तरीके से अपने गोदी में रखा। देख सकते हैं कि बेबी बहुत इजीली, ये बकल भी यहाँ पे ओपन हो गया, तो बेबी बहुत इजीली यहाँ पे ऐसे बैठ गई। तो ये सारा टाइम कंफर्टेबली यहाँ पे मेरे लैप में रही ड्यूरिंग फ्लाइट जर्नी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं बेबी को अभी भी नींद आने लगी है।
तो बेबी कंफर्टेबली रही, बिल्कुल आवाज देखिए अभी भी बिल्कुल परेशान नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप बेबी को पकड़ के लैप में लेके बैठ सकते हैं। इससे क्या कि उसके हाथ भी आपके पास है, मतलब वो कुछ छुएगी नहीं, दूसरा हाथ तो वैसे ही अंदर है और कुछ टच करने का प्रॉब्लम नहीं है। बेबी आराम से गोदी में बैठी रहेगी और यहीं से आप फीड भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि फ्रंट ओपन वाला आप बटन वाला ड्रेस पहने ताकि फीड करना इजी रहे, तो यहीं से मैंने फीड भी कर लिया था, ऊपर से दुपट्टा डाल लिया था और इजीली मैं फीड कर पाई थी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि किस तरीके से आप फीड करेंगे। तो या फिर अगर आप बॉटल भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे बॉटल को फीड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर जब आपका टाइम हो गया आपको उठना है तो आप धीरे से इसके हाथ ऐसे हटाएंगे और यहीं पे आप बकल इजीली लगा सकते हैं, देखिए, और फिर बेबी को ऐसे उठा के ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसके पैरों को ऐसे, और मैंने ये वाला इधर वाला जो बकल जो मैंने लूज किया था उसको मैंने ऐसे खींच के बहुत इजीली खींच के, और खींच के लूज भी हो जाते हैं, खींच के टाइट भी हो जाते हैं, और बेबी के हाथों के ऊपर से ये जो लास्ट बकल है वो मैं लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बेबी अच्छे से फिर से आ गई है मेरे पास, तो ये देखिए बेबी अच्छे से सिक्योर हो गई है, पीछे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही इजी हुआ। आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और बेबी इस तरीके से आपके पास कंफर्टेबली सो जाती है। और याद रखिएगा इस तरीके से मैंने सपोर्ट दिया था, तो इस तरीके से आप भी अपना हाथ खाली रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक सूटकेस था वो मैंने ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद तो मेरे हाथ खाली ही थे, तो मैं इजीली पूरे जो अपना चेक इन करने से मैं इजीली ये लेके जा सकती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये सब चीज़ें मैंने अपने जर्नी में खुद से ही मैंने सोचा कि इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ट्रैवल करेंगे खुद ही आपको आइडियाज़ आने लगेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफली आप ट्रैवल कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ट्रैवल किया, ये काफ़ी अच्छा है। इसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और भी ब्रांड्स के हैं, अगर आपको ये नहीं मिलता तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप उसको लेके ट्राई कर लीजिएगा कि घर पे ही कि किस तरीके से आप, जैसे मैंने बताया उस तरीके से उसमें हो पाता है कि नहीं स्टेप्स, जो इस तरीके से आप लैप में लेटा सकते हैं या फीड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप ट्राई कर लीजिए कैरियर लेने के बाद, तभी आप उसको लेके बाहर जाइए। अगर नहीं है तो फिर ये वाला तो है ही, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से इस वाले कैरियर में एट्रियम मॉम का कैरियर है, और इस तरीके से इसमें, और ये क्या है, हेड सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा हेड सपोर्ट है, बेबी का हेड देखिए इजीली सपोर्ट में, इंजॉइंग शोल्डर। तो देखिए ऐसे वो इस तरीके से ही मेरे ऊपर सो रही थी पूरी जर्नी में। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया होगा आपको। और भी कोई क्वेश्चन है या कुछ भी मैंने मिस कर दिया है वीडियो में बताने के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल लव टू आंसर देम। और मुझे बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो बना के। आई थिंक मैंने अब तक आपके साथ जो भी सारे प्रॉब्लम्स थे, जो आपके जो फियर थे, वो मैंने हटा दिए होंगे इस वीडियो को बना के। आपको अगर मैं ट्रैवल कर सकती हूँ अपने बेबी के साथ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं और वो परेशान है कि किस तरीके से अपने बेबी के साथ ट्रैवल करें, तो ये आप वीडियो ज़रूर दिखा सकते हैं। और कुछ और क्वेश्चन से क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइज़।